ऋषभ पंत आखिर क्यों हुए टीम इंडिया से अचानक बाहर? बीसीसीआई ने क्यों नहीं रोका पंत को? क्या टेस्ट सीरीज में फिर से लौटेंगे ऋषभ? क्या है पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं विराट कोहली को बाबर आजम से बेहतरीन खिलाड़ी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज के लिए जब भारतीय टीम का ऐलान किया गया था तब ऋषभ पंत भारत के स्क्वाड में शामिल थे। टीम में बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज दो ही खिलाड़ी शामिल किए गए थे। इसमें ऋषभ पंत के अलावा ईशान किशन भी शामिल है। हालांकि केएल राहुल भी कीपिंग की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। लेकिन जब सीरीज का पहला मैच शुरू होने वाला था टॉस के लिए कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर थे। उससे ठीक पहले पता चला कि ऋषभ पंत भारतीय टीम से बाहर हो गए हैं, वे सीरीज का एक भी मैच नहीं खेल पाएंगे। इसके बाद तरह तरह की बातें सामने आने लगी। इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि ऋषभ पंत कहीं कोविड पॉजिटिव तो नहीं थे, लेकिन अब पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है। बात दरअसल कुछ और है। ऋषभ पंत अब भारत के लिए बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का एक भी मैच नहीं खेल पाएंगे। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि ऋषभ पंत ने खुद ही टीम इंडिया मैनेजमेंट से वनडे सीरीज के लिए रिलीज करने का अनुरोध किया था। टीम के उप कप्तान केएल राहुल ने कहा था कि उन्हें ऋषभ पंत के मामले की ज्यादा जानकारी नहीं है। वे इतना जानते कि उन्हें भी कुछ ही देर पहले पता चला कि पंत को रिलीज किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इस मामले की ज्यादा जानकारी नहीं है, मेडिकल टीम को शायद इस बारे में ज्यादा पता हो। रिपोर्ट में कहा गया कि ऋषभ पंत ने ढाका पहुंचने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ से इस बारे में बात की और उसके बाद उन्हें जाने दिया गया। इस बीच पता ये भी चला है कि न तो ऋषभ पंत को कोई मेडिकल इशू है और न ही कोई अनुशासन का मामला है। खास बात यह है कि ऋषभ पंत टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया से एक बार फिर से जुड़ जाएंगे। साथ ही टीम इंडिया मैनेजमेंट की ओर से ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट की मांग भी नहीं की गई है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत का ऐसे अचानक से टीम से बाहर जाने की क्या वजह हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।